एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं। जो दो हिंदुस्तान की बात कही, मैंने कहा दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, तो हम आपके लिए, गोवा के गरीब लोगों के लिए न्याय स्कीम लाए हैं। न्याय का मतलब हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा हर महीने। आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर गोवा में रहते हो, गरीब हो, कमजोर हो, 6,000 रुपए हर महीने, 72,000 रुपीज साल के आपके बैंक अकाउंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को भूखा जाए, हम ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को घबराए कि मैं अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज पाऊंगा। तो हम एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक गोवा बनाना चाहते हैं, सबको हम जोड़ेंगे, मिलकर जो भी होगा मिलकर होगा, और फोकस हमारा रोजगार पे होगा। हम जानते हैं रोजगार किस प्रकार से पैदा किया जाता है, कांग्रेस पार्टी समझती है, हमने किया है और हम एक बार फिर आपको करके दिखा देंगे। और गोवा में हम एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं। जो दो हिंदुस्तान की बात कही, मैंने कहा दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, तो हम आपके लिए, गोवा के गरीब लोगों के लिए न्याय स्कीम लाए हैं। न्याय का मतलब हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा हर महीने। आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर गोवा में रहते हो, गरीब हो, कमजोर हो, 6,000 रुपए हर महीने, 72,000 रुपीज साल के आपके बैंक अकाउंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को भूखा जाए।